दोस्तों केविन पीटरसन की बातों से आप सहमत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको बता दें कि केविन पीटरसन अपनी टीम पर बहुत बुरी तरह से भड़क गए हैं, जिससे सब चौंके। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पर मात देने के बाद भारतीय टीम के हौसले पहले ही बुलंद है। ऐसे में पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने शुरुआती मैचों में इंग्लैंड के बिना बल्लेबाज जॉनी बेस्टो, ऑलराउंडर सैम करन और तेज गेंदबाज मार्क वुड के उतरने पर हैरानी जाहिर की। पीटरसन का मानना है कि अगर मेहमान टीम अपनी क्षमता के बिना मैदान में सीरीज के दौरान उतरती है तो ये भारतीय टीम के लिए अपमानजनक होगा। पीटरसन ने कहा कि भारत के खिलाफ जीत चिर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की तरह ही है और उन्होंने चयनकर्ताओं से स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन को खिलाने का आग्रह किया है। पीटरसन ने ट्वीट किया कि इंग्लैंड ने पहली टेस्ट में भारत से खेलने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी है या नहीं, ये बड़ी बहस का मुद्दा है। भारत में जीत दर्ज करना उसी तरह का एहसास है जैसे ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल करना। ये इंग्लैंड के प्रशंसकों के लिए अनादर होगा और साथ ही बीसीसीआई के लिए भी कि आप अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम नहीं खिलाओ, बेस्टों को खिलाना चाहिए, ब्रैंड एंडरसन को खेलना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में पीटरसन ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फॉर्म में चल रही है, भारतीय टीम के खिलाफ खेलने का मौका चूकना नहीं चाहेंगे और उन्होंने सुझाव दिया कि इंडियन प्रीमियर लीग के बाद खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है।